So here's the drink. Hey, thank you. Good to see you, yaar. Good to see you too. Kitna time ho gaya yaar aur kitna sab kuch change ho gaya. I can't believe that. Ab nearly relatives bhi ban gaye. Kabhi socha hi nahi tha ki, you know? Kabhi nahi. Cheers to that. Cheers to that. Also, Ram aur Priya ke bare mein suna. Ye dono apni ladaiyan band hi nahi karte yaar. Is baar to ladai bhi thodi lambi ho gayi. Don't worry. Just give it some time. Dono khud ba khud ehsaas karenge ki wo kya galti kar rahe hain. That's it. Rajat, usse din ka to 4 mahine se intezar kar raha hu. 4 mahine ho gaye unhe alag hue hue lekin dono mein se koi samajhne ko ready nahi hai to yaar yahi to tum sabki problem. 4 mahine to hue yaar. Puri zindagi thodi na beeti hai. People need time, people need space. Sab kuch theek ho jata. You know, रूथ ने पॉजिटिव इसलिए बात कर सकता है क्योंकि ये सब तरह से हमने हुआ नहीं. यू वर नॉट देयर. स्टिल रिमेंबर द डे जिस दिन ये दोनों अलग हुए थे. इतना समझाया राम को कि रोक ले प्रिया को, गलत कर रहा है तू. राम ने सुना ना, प्रिया ने कुछ कहा. आई जस्ट फेल्ट बैड कि मेरे वहां होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया. यू नो विक्रम, लाइफ हैज टॉट मी कि जो बातें दोनों के बीच में होती है ना, वो सिर्फ उन दोनों को पता है. किसी और को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. उन दोनों के बीच चाहे लव हो, सैक्रिफाइस हो, ईगो हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन दोनों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता. इफ दे वांट टू बी सेपरेट, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें. एंड माई फ्रेंड, जब वही दो लोग वापस साथ आएंगे ना, तभी डिसीजन उनका होगा. बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय स्माइल करके, हमारे केस में ड्रिंक करके. से चीयर्स. वो वैसे ही हो. टू गुड टीम. टू अ गुड टीम. मिस्टर, हाँ, गायब होना ना किसी को मिस्टर कपूर से सीखना चाहिए. गायब रेस्टोरेंट से, गायब कमरे से, गायब. से कमाल है ना, कुछ भी खाते कुछ भी पीते बच जाते. प्रॉब्लम होती है तो दवाई खा लेते. मुझे जूस से प्रॉब्लम. थिंक मुझे भी ना दवाई खानी चाहिए. दवाई कहाँ पे मिलेगी? दाईजा, हाँ बेटा, आपकी बुक्स रख दी वहाँ. ये रूम रेडी है, बट आप मेरे साथ भी तो रह सकते हो. राहुल इज आउट ऑफ टाउन. नहीं बेटा, मुझे तो अपने लिए एक अलग कमरा चाहिए दुबई की तरह. मुझे वैसे पूछना क्या है मुझसे? आपको कैसे पता चला कि मुझे कुछ पूछना है? यहाँ बैठ. इतनी सी थी तब से पाला है तुझे. तेरी शक्ल पढ़ने में देर नहीं लगती मुझे. दुबई में आप, प्रिया, पीहू और रजत सर ही तो थे. मेरी छोटी सी फैमिली. और आप? और आप?
अब बड़ी हो गई है तो बोलने से पहले कितना सोचती है, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो अब पूछ भी, क्या पूछना चाहती है तू? रजत सब ठीक है ना? हाँ, खुश है वो? खुश है रियली? देख बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते। पहली तरह के लोग प्यार में नाकामयाब होकर हर रिश्ते में कामयाब होने की उम्मीद छोड़ देते, और दूसरे वो जो अपने प्यार को खोने के बाद भी वो जिंदगी को जीने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं अपने प्यार की यादों के सहारे। रब का शुक्र है कि रजत भी दूसरी तरह के लोगों में। दाईजा, मैंने ना सर से भी ये बात पूछी थी, पर क्या सब सच में प्रिया को भूल गए? अगर वो प्रिया को भूल गया होता तो यहाँ कभी नहीं आता। दाईजा, यहाँ पे तो वो बुक्स एंड बीन्स के लॉन्च के लिए आए हैं ना, तो प्रिया का कैडी, अगर मैंने तुझे बचपन से पाला है ना, तो रजत भी इसी गोदी में पल के बड़ा हुआ है। तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है वो अच्छी तरह जानती हो। ऐसा कुछ नहीं है दाईजा, हम क्या चल अब तू मेरे मुंह से ही सुन। जो रजत अरसे से इंडिया आने को तैयार नहीं था, दुनिया भर में किताबों की दुकान खोली और किताबों की दुकान नहीं दाईजा, बुक कैफे, बुक्स एंड मीम्स। हाँ, मेरा मतलब उसी से था, बुक कैफे। दुनिया में सब जगह बुक स्टोर्स खोलता रहा, हाँ, लेकिन यहीं आने से कतराता रहा। वो इसलिए जिससे प्रिया से दूरी बनी रहे, और अब अचानक चार दिन पहले उसने यहाँ बुक स्टॉल खोलने की सोच ली। मुझे तो तभी कुछ गड़बड़ लग गई, मैंने फौरन उसका फोन चेक किया, देखा आखिरी कॉल तेरा ही था, प्रिया की सबसे बड़ी चमची। तू क्या सोचती, उसने इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के किताबें लिखने ऐसे ही शुरू कर दिया? अरे, इसके पीछे भी प्रिया ही प्रेरणा थी उसकी। ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो प्रिया की यादों के सहारे जी सके, उससे जुड़ा रह सके। कभी सुनना उससे जब वो नई किताब के बारे में लोगों को बताता है, एकदम प्रिया की तरह बात करता है। रजत हमेशा प्रिया से प्यार करता था और करता रहेगा, लेकिन मानेगा कभी नहीं, उसे प्रिया के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है बेटा। और देखना प्रिया और राम को मिलाकर कितना खुश होगा। आई विश ऐसा ही हो। हाँ बेटा, इसीलिए तो बुलाया उसे। सब ठीक हो जाएगा सिड, इतना टेंशन मत लीजिए। आई नो कि आपने ये इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही किया है, लेकिन इफ मार्केट्स वेंट रॉन्ग, अब हम क्या कर सकते हैं, राइट? लिसन, यू जस्ट काम डाउन, मैं हूं ना आपके साथ। बाय। सॉरी जी, मैं वो कुंडी खटखटा के मैं आई कम इन प्लीज कहने वाला था, पर आपको परेशान देखा तो मैं चला आया। आप बड़ी परेशान है, मैं आपकी हेल्प मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद करेंगे? आवाज करूँगा। 6 करोड़ चाहिए हैं? हो गई ना मदद आपकी? आप प्लीज यहाँ से जाइए, मेरी मुश्किल और मत बढ़ाइए। जूही जी, मुझे दिख रहा है कि आप बड़ी परेशान हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, पर मैं तो आपका दोस्त हूँ ना, आप बताइए इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए? वो एक्चुअली सिड ने खुश और नैना के लिए 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, मार्केट्स गिर गए और सारा पैसा डूब गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सिड की हेल्प करूं, कहां से लाऊं इतने सारे रुपए, इट्स बिग अमाउंट, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मुझे लो जी, कर लो बात। अरे, यहां तो कुबेर का खजाना खुला पड़ा है और हम ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं। प्लीज मामा जी, अगर आपको कहना है ना तो साफ साफ कहिए, वरना मत कहिए। मैं राम कपूर के पैसों की बात कर रहा हूँ। अरे, 5-6 करोड़ रुपए उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, हम उसके खजाने से ले लेंगे। मैं राम से पैसे नहीं मांगूंगी। ओ जूही जी, पीक तो पिकमंगे मांगते हैं, वो सयाने तो सीधे सेंध मारते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। एक मिनट, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं चोरी करूं? मामा जी, हाउ कैन यू नो व्हाट, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आई कैन नेवर एवर डू दैट, प्लीज। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। आप सिड के वास्ते कभी कुछ नहीं कर सकते जी। अरे छोड़ दो सिड को, मरने दो उसको, छोड़ दो उसको इसके हाल पे। अरे, मैं तो समझता था कि आप भारतीय नारी बन के
सिड की सारी परेशानियों को दूर कर दोगी, पर आप तो अपनी खुद परेशानियों से परेशान हो। ओ ये सही है, ये गलत है, अरे छोड़ो, मरने दो सिड को। मुझे तो फिक्र सिड की है कि इन सब टेंशन से कहीं उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। थैंक गॉड तुम यहाँ। वो कमरे में मेरा दम घुट रहा था, आप भी नहीं नजर आए तो मैंने सोचा फ्रेश एयर के लिए यहाँ आ जाओ। मुझे तो लगा कि जूस का असर की वजह से पता नहीं तुम कहाँ चले गए। मैं कहाँ जाऊंगी मिस्टर, मैं तो हमेशा से आपका ही इंतजार करती आई, बस आप ही आने में देर कर देते। अब मैं आ गया हूँ, आप चले। कहाँ? कमरे में। और कहाँ, यहाँ पर बहुत हवा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रूम में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मिस्टर, यहाँ देखिए ना कितना अच्छा है। अब बार बार आसमान की तरफ क्या देख रही हो, चलो ना, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो। एक मिनट, थोड़ी देर रुकते हैं ना यहाँ पे। आपको पता है मिस्टर कपूर, ये तारे एक दूसरे से इतनी दूर होकर भी एक दूसरे के इतने पास क्यों नजर आते हैं? अब मैंने एस्ट्रोनॉमी थोड़ी पढ़ी है, मुझे कैसे पता? मुझे पता है, पढ़ी मैंने भी नहीं है लेकिन मुझे पता है। जब वो तारे ऊपर से हमारे जैसे किसी कपल को देखते हैं ना, जो एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो वो प्यार जताने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कॉपीकैट्स। अगर इतना ही प्यार होता तो फिर एक तारा अपने साथी को छोड़कर टूट क्यों जाता है? नहीं, छोड़ता नहीं है, वो तो सैक्रिफाइस करता है। हम जैसे सेल्फिश लोगों के लिए जो अपनी विश को पूरा करने के लिए किसी तारे के टूटने का इंतजार करते रहते हैं, वो तारा टूट जाता है मिस्टर कपूर ताकि हमारी विश पूरी हो जाए। वो सेल्फिश नहीं है, हम लोग सेल्फिश। ये क्या कर रही हो तुम, बीमार हो जाओगी यार। इतना अच्छा मौसम है ना मिस्टर कपूर, चलिए ना बाहर चलते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं कल तुम्हें घुमा ले चलूंगा, अभी वापस चलते हैं प्लीज। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, आप अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं? Tell me something, तुमको जूस का असर इतना कैसे चढ़ सकता है? कुछ भी बोल रही। नहीं मिस्टर कपूर, मैं ठीक हूँ एकदम। वो सर में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, और मैं आपको सुबह भी बता दूंगी कि मैंने क्या बोला। बिकॉज Because...
जब ऐसे करते हैं ना, मतलब जब मेरे लिए अपना प्यार डिनाई करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आपसे भी ज्यादा बुरी लगती है मुझे आपकी ईगो। योर बिग फैट ईगो। आपकी ईगो ने ना आपकी लाइफ में मेरी जगह ले ली है। आई डोंट लाइक इट। और जब आप अपनी ईगो की बात सुनते हैं और दूर रहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पर जब आप छोटी छोटी सी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना, तब आप मुझे बड़े अच्छे लगते। और जब आप मेरे हाथ के बनाए हुए आलू के पराठे खाते खाते नहीं खाते, तब आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब खा लेते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। बट यू नो व्हाट, आई हेट योर ईगो, जिसने आपको मुझसे अलग कर दिया, लेकिन खुद को आपसे अलग नहीं किया अभी तक। मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, वरना मैं आपको एक एक चीज बताती कि कब आप मुझे अच्छे लगते हैं और कब नहीं। चलिए ना मिस्टर कपूर, हम लोग वॉक पे जाते हैं। मुझे मैं कल तुम्हें घुमाने ले चलूंगा, अभी कहीं नहीं। नहीं आप नहीं ले जाएंगे, आपने अभी रूम में भी बोला था मुझे, बट आई नो आप नहीं लेके जाएंगे। अरे ले जाऊंगा यार, आई प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब चलें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ ना, अब रुक क्यों गए? पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह राम के रूम में जाना, वो भी बिना बताए। बिना बताए? ओ पहले तो इस कमरे में बिना बताए आना जाना बड़ा होता था, अब भले है कि राम से रिश्ता बदल गया है, वो कमरे से थोड़ी बदला है। ओ आपको कोई रोक सकता है पता कमरे में जाने से? ओ जाओ बेहिचक। मैं यहाँ खड़ा हूँ, चौकीदारी करता हूँ, कोई आ गया ना तो मैं बिल्ली की आवाज निकालूंगा। आपको नहीं पसंद तो कुत्ते की आवाज निकाल। I have to be very careful. उसका सामान यहाँ से वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए, because I know how particular he is about his things. उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.